हेलो फ्रेंड, हेलो। मैं आज आपको मॉड्यूलर किचन की पूरी जानकारी दे रहा हूँ। मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है फ्लोर काउंटर। जो फ्लोर काउंटर हम लगाते हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 21 या 22 इंची चौड़ा रखना होता है, और 21 22 इंची चौड़ा हमें पार्टीशन लेना है, और 22 इंची खड़ा पार्टीशन लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये पार्टीशन खड़े किए जा रहे हैं। अब यह एरोलेट एक दो टूकों को मिक्स करके लगाया जाता है। पार्टीशन को पहले अगर मार्बल से आप बना रहे हैं तो दो पीस को जोड़ करके बराबर कर लें, चिपका लें दोनों को। उसके बाद इसी तरीके से आप पहला पीस आप बुनियाद में लगाएं और उसी के हिसाब से इंची टेप से आप लगाते चले जाएं। इसमें पार्टीशन खड़े करते समय ये एक ध्यान बहुत देना है, हमें बिल्कुल एक नाप रखना है। पार्टीशन जितना नीचे हो उतना ऊपर हो उतना ही आगे होना चाहिए। चारों कोने एक बराबर होनी चाहिए, तभी इसमें जो है दरवाजे फिट हो पाएंगे, और दरवाजे फिट करने में कारपेंटर को कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके काम में कोई शिकायत भी नहीं आएगी। अब देखिए किस तरीके से काम को अंजाम दिया जा रहा है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरी जानकारी से भरी होगी। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको किस विषय में वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपकी कमेंट के आधार पर वीडियो बनाने की। जब हम ये साइट वाला पत्ता जो लगाते हैं, ये हम सिंगल भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में जो पार्टीशन लगाए जाते हैं वो डबल ही होने चाहिए ताकि कब्जा जो है लगे। जब कारपेंटर कब्जा लगाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं आए। और अगर इसके टॉप पे ग्रेनाइट अगर लगाते हैं तब तो आपको 2 इंची बाहर निकाल के लगाना पड़ेगा पार्टीशन से। और आप अगर ग्रेनाइट नहीं लगा रहे हैं, मार्बल लगा रहे हैं, तो आप लगभग पार्टीशन से 4 इंच छोटा रखिए। ये मार्बल को ये लग रहा है। उसके बाद आपको इस मार्बल से मिला के 6 इंची का एक पत्ता है जो कि ये तैयार किया जा रहा है मोल्डिंग करके, ये रखना है। मॉड्यूलर किचन ऐसा देखने को मिल रहा है आपको, बहुत बेहतरीन वाला रस्सी मोल्डिंग का जिसमें इस्तेमाल किया गया है।
सिंगल मोल्डिंग है ये, कटाई करने के बाद में ये 60 नंबर पत्ता मारा जा रहा है, 60 नंबर पत्ता लग गया है। इसके बाद मारता हूँ मैं 2 नंबर मट्टी, 2 नंबर से इतनी इसकी जितनी रावड़ी होती है वो साफ हो जाती है बिल्कुल क्लीन। इसके बाद 320 नंबर मार गए या 420 नंबर मार गए तो छोड़ दिया जाता है। फुल पॉलिश की जो वीडियो है वो भी मैं जल्द आपके सामने आऊँगा। ग्रेनाइट फुल पॉलिश कितनी बत्ती है और कैसे की जाती है। ये देखिए ये हमने 6 इंची का ग्रेनाइट पट्टा रख दिया है, 2 इंची हमारा पार्टीशन से बाहर है ये निकला हुआ, ताकि इसमें जो पल्ले चढ़ाए जाएं उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, वो अंदर अंदर इसके आ सके और हमारी मॉडलिंग भी दिखाई दे सके। मॉड्यूलर किचन कभी भी बनाएं तो ये दीवार में झिरी निकाल कर ही बनाएं, इससे आपकी मजबूती पूरी रहती है। रस्सी मोल्डिंग लगाने की तैयारी हो रही है। रस्सी मोल्डिंग बगैर फरमे के कैसे बनाएं, इस विषय में पूरी जानकारी के साथ मैंने वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पर, आप मेरे प्रोफाइल में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। बहुत आसान तरीका मैंने बताया है रस्सी मॉडलिंग बनाने का बगैर फरमे के, रस्सी मॉडलिंग। हमारी रस्सी मॉडलिंग लग के तैयार हो चुकी है, हमने ये रस्सी मॉडलिंग नीचे वाली मॉडलिंग से आधा इंची अंदर करके लगाई है, ताकि हमारे नीचे की मॉडलिंग भी दिख सके। और हम अब जो इस पर काउंटर लगाएंगे तो वो रस्सी मॉडलिंग के फेस से बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल हटा के आप वीडियो में बने रहें। ये देखिए घोड़ा डाल कर इसको पक्का कर दे रहे हैं। थोड़ा बहुत काम का होता है, इससे पत्थर आरामदायक बैठ जाता है, टूटने का खतरा भी नहीं रहता। चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।
मॉड्यूलर किचन बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये वीडियो देखें, समझें, बिना झिझक बनाएं, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अब ये हमने पानी पट्टी सिंगल मोल्डिंग बना करके, तो पीछे साइड में काउंटर की साइड में पेपर बना करके, ये हम आधा इंची रस्सी मोल्डिंग से बाहर निकाल के रखेंगे और काउंटर को ऊपर को रखेंगे। हमने ये 2 इंची में पट्टी बनाई है पानी पट्टी, इसको बोलते हैं। तो हम ये ऊपर से रख देंगे तो हमारी मोल्डिंग का पट्टा भी पूरा ही हो जाएगा और पानी भी इधर को नहीं जाएगा, पानी डायरेक्ट सिंक के अंदर जाएगा। मॉड्यूलर किचन बनाए तो एक चीज़ का खास ध्यान रखें, जो ये कोने पे जो काम कर रहे हैं हम, ये रस्सी मोल्डिंग से लेके नीचे ऊपर ये मोल्डिंग तक कर्म नहीं लगाए प्रॉपरली जा करके। अगर आप सीधे सीधे लगाएंगे तो ये डिफेक्टिव हो जाएगा, इसमें अच्छा नहीं लगेगा ये। भाई लोगों, ये मैंने मैं एक ऑनलाइन मंगाया था, टूब के साथ चिपकाई जाती है। ये मेरे को पड़ा है मॉड्यूलर किचन में एरोलाइट ट्यूब और फायरेटी का एलपी ट्यूब, इन दोनों ट्यूब का ही इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा रहता है। अभी तो ये पहली ही दफा वीडियो में इससे जो है बना रहा हूँ। लाइट होने के बाद की पकड़ बहुत अच्छी होती है और इसकी आवाज भी चेक नहीं की है, कैसी आवाज आ रही है इसकी। जहाँ आप रोकेंगे वहीं रुक जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, धंधे कर देता है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सपोर्ट करें। ये मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए। और ये रस्सी मॉडलिंग की मैंने पूरी वीडियो जानकारी के साथ अपलोड की है अपने चैनल पे, रॉन्ग स्टार 487 पे। आप उस वीडियो को जाके देखें। कमेंट में बताएं कैसी वीडियो लगी आपको। हमें कमेंट में जरूर बताएं रस्सी मॉडलिंग बिना परमे के आपको बनाई गई है। मॉड्यूलर किचन कभी भी बनाए तो उसके ऊपर डैड यानी स्टार्टिंग जरूर लगाएं ग्रेनाइट की, उसके बाद ही उसके ऊपर टाइल लगाएं। स्टार्टिंग लगाने से इसकी खूबसूरती काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अभी इस पे ग्रेनाइट पॉलिश लगना बाकी है। लगा कर भी आपको दिखाऊंगा। तो पानी पट्टी लग के तैयार हो चुकी है, हमारी पानी पट्टी है।
वो इस तरीके से लग अभी करके ग्रेनाइट तैयार हो चुकी है। और निकलना बाकी है। यहाँ फुल मॉडलिंग भी है, ये टेपर दिया है, ये पेपर किया है मैंने, इधर फुल मॉडलिंग है। ये ग्रेनाइट पॉलिश इस पे मैं लगा रहा हूँ, आप देखिए इसकी क्लियरिटी कैसी आ रही है ग्रेनाइट पॉलिश की। देखिए आप इसकी चमक एकदम सेम हो चुकी है। ऐसी वीडियो को देखने के लिए कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद।